साइबर सिटी गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 इलाके में नशीला पदार्थ गांजा पत्ते की सप्लाई कर रहे एक युवक को पुलिस कमिश्नर के खुफिया विभाग ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार का रहने वाला है और नाथपुर इलाके में सब्जी बेचता है। आरोप है कि सब्जी की आड़ में आरोपी गांजा पत्ती का कारोबार करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 2 किलो 100 ग्राम गांजा पत्ती बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी है। ये कल की घटना है। कल नाथपुर गांव में सब्जी मंडी है, वहाँ पर एक दुकान लगाता है, वो गांजा बेचता था। तो ये विपिन मंडल नाम का है व्यक्ति, जो जिसने एक दुकान कर रखी थी मंडी में, और वहीं पर उस दुकान की आड़ में ये गांजा बेचता था। कितने किलो गांजा बरामद है इससे? ये क्या कार्रवाई की जा रही है? 2 किलो 100 ग्राम गांजा इससे बरामद हुआ। ये कोई पहला मामला नहीं जब गुरुग्राम में गांजा पत्ती बरामद हुआ हो। हम आपको बता दें कि इससे पहले बिलासपुर और पटौदी इलाके में कई क्विंटल गांजा पत्ती बरामद हो चुका है। ऐसे में पुलिस इस कारोबार के नेक्सस को तोड़ने में लगी है। हालांकि अब तक इस गिरोह के सरगना तक पुलिस की जांच नहीं पहुंची। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की ये पहल कितनी कारगर होती है। गुरुग्राम से एमी शर्मा। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.